नमस्कार दोस्तों, तो आज हम ये क्वेश्चन करेंगे जो कि फिटजी जेई मेंस रिव्यू पैकेज 2 का है। द क्वेश्चन इज एन आइडियल डायटोमिक गैस इज टेकन थ्रू द प्रोसेस ए बी एज शोन इन फिगर पीवी डायग्राम। द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस इन दिस प्रोसेस इज एक्स आर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमें इस प्रोसेस को एनालाइज करना है और हमको मोलर हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है, क्वेश्चन हमसे पूछा है। तो पहले तो हम इस ग्राफ को देखते हैं। ग्राफ को देखें तो ये ग्राफ कुछ इस पॉइंट पे पी नॉट वी नॉट से पास कर रहा है, इस पॉइंट से 2P0 से पास कर रहा है। दैट मींस कि ये जो लाइन है वो आपके पास ओरिजिन से पास कर रही होगी। हम चेक कर सकते हैं मैथमेटिकली। दैट मींस हम बोल सकते हैं कि इस ग्राफ में जो है प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट मींस कि पी वी की पावर -1 जो है इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। वी को इधर ले आए, और अगर हम ये जानते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक तो पॉलीट्रॉपिक कहता है कि भाई पी वी की पावर एक्स की फॉर्म का कोई प्रोसेस हो तो पॉलीट्रॉपिक कहलाता है वो। जैसे हम अगर कंपेयर करें हम निकाल सकते हैं कि भाई x इक्वल टू -1 है, बिकॉज ऐसा कोई और प्रोसेस होता नहीं है, ना ये आइसोकोरिक है ना ये आइसोबारिक है, कुछ भी नहीं है। दैट मींस कि ये है यहाँ पे आइसोकोरिक पॉलीट्रॉपिक है और हम x निकाल सकते हैं। अब मोलर हीट कैपेसिटी होती कितनी है, जैसे ये होता है c इक्वल टू सी वी प्लस आर अपॉन 1 - x। ये एक फॉर्मूला होता है जो हम यूज कर सकते हैं आसानी से, हम मोलर हीट कैपेसिटी निकाल सकते हैं। सी वी वी कैन कैलकुलेट बाय डायटोमिक गैस का, दिस इज इक्वल टू होता है 5R/2 प्लस आर अपॉन 1 - x के लिए -1 है, तो दिस इज इक्वल टू 5R/2 प्लस आर बाय 2, 6R/2 दिस इज इक्वल टू 3R। सो अगर देखे फॉर्मूले में तो जो x पूछा है x इक्वल टू हो जाएगा 3। बहुत इजी सवाल है। तो ऐसे किसी प्रोसेस में हम निकाल सकते हैं कि भाई x निकालने पहले कंपेयर करके इससे हम ये फॉर्मूला से हम मोलर हीट कैपेसिटी निकाल सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।